नमस्कार फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रकाश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक्स फ्रेंड्स। नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर नंबर सिस्टम। फ्रेंड्स, कंप्यूटर एक मशीन है जो बानी लैंग्वेज को समझती है। कंप्यूटर यूजर की भाषा को नहीं समझता, ना ही यूजर कंप्यूटर की भाषा को। इसलिए कुछ नंबर सिस्टम है जो कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं। नंबर सिस्टम का प्रयोग सूचना को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जब भी हम कोई कैरेक्टर या वर्ड कंप्यूटर में लिखते हैं तो वह उसे नंबर में बदल देता है, क्योंकि कंप्यूटर केवल नंबर्स को ही समझता है। डिजिटल कंप्यूटर सभी प्रकार के डेटा तथा सूचना बानी संख्या में प्रदर्शित करता है, जैसे ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स तथा संख्या आदि। कंप्यूटर नंबर सिस्टम के चार प्रकार होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, बानी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, जिसमें किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 0 से लेकर 9 तक जो सिंबल हैं वो यूज किए जाते हैं। 0 से लेकर 9 तक सिंबल यूज किए जाते हैं, ठीक है। इस नंबर सिस्टम का आधार 10 होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार 10 होता है। बेस किसी नंबर सिस्टम में प्रयोग किए जाने वाले अंकों की संख्या होती है। डेसिमल में 10 अंक होते हैं, इसलिए डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल है, देखिए, अगर हमें डेसिमल नंबर सिस्टम को लिखना होता है तो हम उसमें बेस 10 यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बाइनरी नंबर सिस्टम। डिजिटल कंप्यूटर अपना सारा डेटा बाइनरी नंबर में ही प्रदर्शित करता है। बाइनरी सिस्टम में केवल 2 नंबर होते हैं, 0 और 1 होते हैं। जब 2 ही डिजिट, इसमें 0 डिजिट होती है या फिर 1 डिजिट होती है, इसलिए इसका बेस 10 होता है। बानी नंबर सिस्टम में अंकों को बानी डिजिट या बिट कहते हैं। किसी बानी नंबर का मान दाईं से बाईं ओर उसके स्थानीय मान के आधार पर निकाला जाता है। एग्जांपल आप देखिए, ये 101010 यानी इसमें 2 ही डिजिट होती हैं, सिर्फ 0 और 1 का ही प्रयोग होता है, इसलिए इसका बेस 2 होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में केवल 8 अंक होते हैं, 0 से लेकर 7 तक ही डिजिट होती हैं आपके ऑक्टल नंबर सिस्टम में, इसलिए इसका बेस 8 होता है, 8 होता है इसका बेस, क्योंकि 0 से लेकर 7 तक डिजिट ही ऑक्टल नंबर सिस्टम में होती हैं। एग्जांपल 242 बेस 8। ओके फ्रेंड्स, हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 10 अंक होते हैं तथा 6 लेटर प्रयोग में आते हैं। 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स आपके हेक्साडेसिमल में यूज होती हैं तथा ए से लेकर एफ तक आपके कैरेक्टर्स या लेटर यूज होते हैं, शब्द यूज होते हैं, अक्षर यूज होते हैं। इस अक्षर को हम लोग ए को 10, बी को 11, सी को 12, डी को ऐसे करते करते आपका एफ को हम 15 तक कंसीडर करते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर में 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी, डी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। इस नंबर सिस्टम में कुल 16 अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, इसीलिए हेक्साडेसिमल नंबर का बेस 16 होता है। फ्रेंड्स, 2A16 ये आपका एक हेक्साडेसिमल नंबर है, 2A16। ओके फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे नंबर सिस्टम कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्सा। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी।